हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मंदीप और कल जब से मैंने आईफोन 12 की अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली है तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें बताओ कि क्या हम फ्लिपकार्ट से परचेस करें, क्या वहां से परचेस करना सेफ है, रिफर्बिश तो नहीं आ जाएगा, डुप्लीकेट तो नहीं, क्लोन तो नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो मेरी वीडियो पर कमेंट भी किया था कि ये हमें रिफर्बिश लग रहा है या क्लोन लग रहा है। तो काफ़ी लोगों का ये जेन्युइन कमेंट आया हुआ था कि भाई प्लीज़ हमें बताओ कि कैसे वेरीफाई करें, कैसे भरोसा करें हम कि हमें जो है जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो में करेंगे उसके बारे में बात, क्योंकि मैंने जो है अपना डिवाइस एप्पल के सर्विस सेंटर से आज करा लिया है वेरीफाई। तो उसका भी जो है मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे ये होता है वेरीफाई और क्या कुछ जो डिटेल्स हैं आप खुद भी अपने घर पर चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपका जो डिवाइस है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जैसे ही आपका डिवाइस जो है आपको डिलीवर हो जाता है, तो सबसे पहले आप अपनी डिवाइस को जब फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो ऑन करते के साथ ही आप इसमें ओपन कीजिए सेटिंग्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो आपको ऑन करनी है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप जाइए जनरल में, और जनरल में जाने के बाद आप इसके अबाउट सेक्शन में जाके स्क्रॉल डाउन करिए। तो यहाँ पर जो है आपको इसकी जो है IMEI दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उसको जो है आपको मैच करना है अपने बॉक्स पे मेंशन किए गए IMEI नंबर से। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है IMEI, IMEI ID, तो इसको अगर एक बार आप देखें साथ के साथ हम मैच करें तो 357676158568911, यानी कि IMEI जो है एकदम जेन्युइन है, बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये जो है सबसे पहला स्टेप है जिससे कि आप अपने डिवाइस को कर सकते हैं वेरीफाई। इसी के साथ साथ सेकेंड IMEI 2 जो है उसको भी आप कर सकते हैं वेरीफाई। उसके बाद जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे, तो चाहे आप वाईफाई से करें चाहे सिम से, तो एक्टिवेट करते के साथ ही जो है इसमें इसकी वारंटी जो है एक्सपायरी वो शो करने लग जाएगा। जैसे कि मैंने 2 तारीख को वीडियो डाली थी, तो 2 तारीख को सॉरी मैंने ये परचेस किया था, 2 को ही मैंने वीडियो बनाई थी, पोस्ट मैंने कल की है। तो 2 को जब मैंने एक्टिवेट किया था, एक्टिवेट होते ही जो है इसकी वारंटी हो चुकी है ऑटोमेटिकली स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है एक्सपायर्स 1st October 2022। तो ये हैं 2 तरीके जिनसे कि आपको पता लगेगा कि आपका डिवाइस जो है यूज नहीं है और जो एकदम जेन्युइन डिवाइस है जिसपे आपको प्रॉपर एप्पल की वारंटी मिल रही है। तो सेटिंग्स में ही जो है वो चीज़ आपको हो गई थी शो। अब दूसरा तरीका जिससे कि आप अपने डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेन्युइन है नहीं, तो यही सेटिंग्स में जैसे कि आपको दिख रहा है ये है आपका सीरियल नंबर, तो इसको भी जो है आप अपने डिवाइस के बॉक्स से कर सकते हैं मैच। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मॉडल नंबर अगर आप देखेंगे तो MGF3HNA यही है इसमें भी मॉडल नंबर, और उसी के साथ साथ अगर आप इसका सीरियल नंबर मैच करेंगे तो सीरियल नंबर जो है वो भी एकदम सेम है, GVG732Y0F12। तो ये तो हो गया तरीका इसकी IMEI को और सीरियल नंबर और मॉडल नंबर को मैच करने का, जिससे कि पता लगेगा कि डिवाइस के बॉक्स के अंदर जो डिवाइस आया है वो एग्जैक्टली वही डिवाइस है जो इस बॉक्स को करता है बिलोंग, कोई और डिवाइस नहीं है, रिप्लेस यूनिट नहीं है और ना ही है क्लोन। तो दूसरा जो तरीका है वो है इंटरनेट से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने डिवाइस को। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका सीरियल नंबर, तो आप जाइए इंटरनेट पे और वहाँ पर टाइप कीजिए चेक कवरेज। तो ये देखिए जैसे सबसे ऊपर ही आ गया checkcoverage.apple.com, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये साइट जो है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको डालना है अपना सीरियल नंबर, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सीरियल नंबर को। सीरियल नंबर मैंने डाल दिया है, इसके नीचे जो है आपको ये कोड डालना है वेरिफिकेशन के लिए QYQB। अब हम करेंगे कंटिन्यू। तो अब जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया कंटिन्यू पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है प्रॉपरली ऊपर पूरी डिटेल शो कर रही है, योर सर्विस एंड सपोर्ट कवरेज आईफोन 12 एलिजिबल फॉर एन एप्पल प्रोडक्ट एप्पल केयर सॉरी। तो इसमें जो आई मार्क है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एप्पल केयर नहीं लिया है। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिड परचेज डेट, तो ये जो है इसका मतलब है कि जेन्युइन परचेज डेट है इस डिवाइस की। उसी के साथ साथ आपको जो है 3 महीने के लिए जो है मिलता है सॉफ्टवेयर का टेक्निकल सपोर्ट, तो वो भी इस पे एक्टिव है 31st December 2021 तक। और यहाँ पर जो है आपको आपकी वारंटी की दिखा देगा डिटेल, रिपेयर्स एंड सर्विस कवरेज एक्टिव, जिसमें लिखा हुआ है योर प्रोडक्ट इज कवर्ड फॉर एलिजिबल हार्डवेयर रिपेयर्स एंड सर्विस अंडर एप्पल्स लिमिटेड वारंटी, एस्टिमेटेड एक्सपायरेशन डेट October 1st 2022। तो ये एक तरीका हो गया जिससे कि आप अपने डिवाइस को कर सकते हैं वेरीफाई ऑनलाइन, ये जानने के लिए कि आपकी डिवाइस जो है वो एकदम जेन्युइन है, न्यू है, यूज बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो हो गए 2 तरीके जो मैंने आपको बताए। सबसे पहला जो है आप अपने बॉक्स से है EMI सीरियल नंबर मॉडल नंबर को कर सकते हैं मैच। और उसके बाद जो सेकंड तरीका है सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि आप जो है coverage.com पर जाकर अपने आईफोन का सीरियल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं आपके डिवाइस की वारंटी सब और सारी डिटेल के जेन्युइन है या नहीं। अब दूसरा तरीका जिससे कि आप घर बैठे बैठे अपने फोन को कर सकते हैं वेरीफाई, तो वो है एप्पल केयर से कॉन्टैक्ट करके। तो सबसे पहले आप एप्पल केयर को करें कॉल,
ये है एप्पल केयर का नंबर 0008004019666। तो इससे जो है आप एप्पल केयर के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं और बात करने के बाद वो जो है आपके सिस्टम पे जो है डायग्नोस्टिक्स रन करेंगे। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में, जो है सेटिंग्स में हम गए और सेटिंग्स में नीचे जाएंगे प्राइवेसी, तो प्राइवेसी में जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स। तो जब आप एप्पल केयर में कॉल करेंगे उनके एग्जीक्यूटिव को बताएंगे कि आपने नया फोन परचेज किया है और आपको जो है इसको वेरीफाई कराना है ऑनलाइन, तो वो जो है वहां से जो है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करेंगे जिसको आपको यहां से करना होगा अप्रूव। उसके बाद जो है वो आपके डिवाइस को जो है ऑनलाइन जो है डायग्नोस करके बता देंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और इसके सारे जो पार्ट्स है वो है जेन्युइन। तो वो एक तरीका है जिससे कि आप अपने डिवाइस को ऑनलाइन करा सकते हैं वेरीफाई। बाकी आप अपनी बैटरी की हेल्थ जो है उसको भी एक बार कर सकते हैं चेक, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ जो है वो है 100%। तो अगर किसी को यूज डिवाइस मिला होगा रिफर्बिश्ड या सपोज अगर क्लोन भी होगा तो क्लोन में तो बैटरी हेल्थ वो बैटरी कैपेसिटी शो करेगा ही नहीं, बट अगर वो यूज होगा तो उसकी बैटरी हेल्थ जो है वो डेफिनेटली 100% से आपको मिलेगी कम। तो इससे भी जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस जो है वो यूज है या न्यू। अब एक बार बात कर लेते हैं एक्सेसरीज की। तो आईफोन के साथ अब जो है सिर्फ लाइटनिंग केबल मिलती है, ये ओपन इसलिए कि मैं इसको ऑलरेडी वेरीफाई करा चुका हूँ। तो इसमें जो है उन्होंने मुझे बताया था कि इसके ऊपर एक सीरियल नंबर मेंशन होता है, तो वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो इसका टाइप सी कनेक्टर वाली साइड है उसी साइड जैसे आप देखेंगे तो आपको जो है सीरियल नंबर दिखेगा थोड़ा सा आगे चल के, और उसमें प्रॉपरली मेंशन है पूरा डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। एक बार मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से दिखा भी दूंगा। ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा Designed by Apple in California, assembled in Vietnam, और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है एक सीरियल नंबर किया गया मेंशन, जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा FGJ1097FRX0A। तो ये है सीरियल नंबर जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी जो लाइटनिंग केबल है वो जेन्युइन है या नहीं। बट स्टिल मैं फिर भी आपको ये कहूंगा कि आपको सर्विस सेंटर जरूर विजिट करना चाहिए, बिकॉज जब मैंने आईफोन SE लिया था और मैंने जब इसकी सेल की वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें भी बताया था कि मेरे आईफोन SE की जो लाइटनिंग केबल है और ईयरफोन से दोनों आए थे फेक, और उन दोनों पर ही जो है सीरियल नंबर मेंशन किए हुए थे, एग्जैक्टली प्रॉपर लिखा हुआ था डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं वो कॉपी जब बनाते हैं तो कोशिश पूरी ऐसी करते हैं, किसी को नॉर्मल फर्स्ट टाइम यूजर्स को तो पता चलेगा ही नहीं कि ये फेक है जेन्युइन। दूसरा एक और तरीका पता करने का ये है कि जैसे कि ये जेन्युइन केबल अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी थिक होती है, और जो फेक आएगी वो जो है वो काफी लो क्वालिटी की आपको लगेगी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, काफी पतली होगी। तो फिर भी बेटर रहता है कि आप एक बार सर्विस सेंटर चले जाएं, जैसे कि मैं भी आज गया था तो उसमें मैंने सर्विस सेंटर में जाकर अपने फोन को भी डायग्नोस्टिक रन करा लिया था और उसी के साथ साथ इसको भी मैंने करा लिया वेरीफाई। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जब मैं सर्विस सेंटर गया था तो वहां पर जाकर जो है मैंने उनको अपना डिवाइस दिया वेरीफाई कराने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैं सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ, और इसके बाद जो है मैंने जब वेरीफाई कराया तो वहां पर जो है उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि सर आप जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से रिस्पेक्टिंग देयर प्राइवेसी एंड देयर पॉलिसीज मैंने जो है वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करना कर दिया था बंद। और मैंने वहां पर एग्जीक्यूटिव जो थे, जो इंजीनियर थी, वो मेरे डिवाइस को जब डायग्नोस्टिक रन कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या तरीका है जिससे कि हम ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं अपने डिवाइस को वेरीफाई करने के लिए। तो उस वक्त उन्होंने मुझे ये बताया था कि सर आप ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जो है वो डायग्नोस्टिक रन हो जाएगा और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने डिवाइस को, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके डिवाइस में कोई इशू नहीं है। उसी के साथ साथ उन्होंने मुझे एक चीज और यही बताई थी जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर ये डिवाइस यूज होता या अगर क्लोन होता तो उसमें जो है ये सारी डिटेल्स जो हमें दिख रही है एक्सपायरी डेट ये जो है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं शो करती, और जो इसके सीरियल नंबर मॉडल नंबर है वो भी डिफरेंट होते एक्चुअल में जो बॉक्स पे दिया गया उससे। तो ये उन्होंने मुझे बताया था, बट मेन बात यह कि अगर आपको अपने एक्सेसरीज को वेरीफाई कराना है तो उसके लिए तो आपको सर्विस सेंटर पर जाना ही पड़ेगा। और सेकंड थिंग ये था, जब उन्होंने इसको अपने सिस्टम से रन किया तो उसके बाद जो एक पॉपअप आता है विंडो का वो उन्होंने मेरे को दिखाया, जिसमें कि इसमें इसके सारे पार्ट्स जो हैं उनकी सबकी जो है एक एक आइकन बनी हुई थी और सबके ऊपर जो है ग्रीन टिक लगा हुआ था, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ हर एक पार्ट जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वो जेन्युइन है। अगर कोई भी एरर होता है, किसी भी पार्ट में कोई इशू है, चेंज है, रिप्लेस्ड है, तो वो जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट से चल जाता है पता। तो गाइज आई होप ये वीडियो जो है आपको यूजफुल लगी होगी। जो भी लोग अभी तक डाउट में थे कि हमें फ्लिपकार्ट से फोन लेना है या नहीं लेना है और उनको लग रहा था कि शायद फेक आएगा, तो मैंने अपना डिवाइस जो है जाके वेरीफाई करा लिया है, और इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया डिटेल कैसे आप खुद भी कर सकते हैं वेरीफाई और किस तरीके से जो है आप सर्विस सेंटर पर जाकर भी इसको करा सकते हैं वेरीफाई। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको यूजफुल लगी होगी, और जो भी लोग अभी तक रुके हुए थे सिर्फ इस वजह से कि कहीं डिवाइस जो है फेक ना आ जाए, क्लोन ना आ जाए, एक्सेसरीज फेक ना आ जाए, तो आप बेझिझक ऑर्डर कीजिए, उसके बाद आप ऑनलाइन जो अपने डिवाइस को वेरीफाई करा लीजिए। अगर पॉसिबल है सर्विस सेंटर जाना तो वो फिर मैं कहूंगा कि आप जाके वेरीफाई करा लीजिए अपनी एक्सेसरीज को भी, अदरवाइज ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन है अपने डिवाइस को वेरीफाई कराने का। आई होप गाइज ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट में पोस्ट करें, मैं वहां पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा। इसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं वहां पर भी जो है आपके सभी क्वेरीज के दे दूंगा आपको आंसर्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।